हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही शानदार रेसिपी बनाएंगे। उसका नाम है आलू पूरी। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं आलू पूरी बनाना। इसमें मैंने लिया है एक कटोरी आटा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च को यूज़ में लिया। आप चाहे तो हरी मिर्च को यूज़ में ले सकते हैं, बस ये दिखने में थोड़ी अच्छी होती है। इसको डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डालेंगे 1.5 चम्मच सूजी। सूजी से हमारी पूरी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसके बाद में यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद में हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हम क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर पूड़ी के अंदर आएगा। अब हम डालेंगे इसमें धनिया। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें नमक। नमक के डालने के बाद में हम इसमें आलूओं को ग्रेट करके डालेंगे, जिससे कि आलू में कोई भी गुठली ना रहे और आलू हमारे अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे, दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तिल को यूज़ में लिया है। अब इसको हम सब मसालों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी को यूज़ में नहीं लेंगे, पहले आटे को हम आलू में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी से आटे को गूँथेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड डो तैयार करना है। हमें एकदम मीडियम सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करना है। ये देखिए, मैं वापस से थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे, जब तक कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसमें ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा के एक बार और गूँथ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको हम एक बार और गूँथ लें आटे को। इसके बाद में हम इसको ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जितने हमारा आटा सेट हो, हम तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। ये मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। हमारा आटा भी अब अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा डो एकदम रेडी है। अब इसको हम एक बार और अच्छे से गूँथ लेंगे, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। ये हमारा आटा एकदम चिकना हो गया है। अब इसके आटे के 2 भाग कर लिए मैंने। अब इसके बराबर साइज़ की हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह आटे को हम अच्छे से एकदम चिकनी लोई बना के तैयार कर लेंगे। जो भी हमने लोई बनाई है, अब उस पर हम तेल लगा लेंगे और अच्छे से चिकना कर लेंगे। जहाँ पे हम बेलेंगे वहाँ पे भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और बेलन पे भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। इसको हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम पूड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूड़ी को हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हमें मीडियम साइज़ की पूड़ी बना के तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी दूसरी पूड़ियों से थोड़ी सी मोटी रहेगी। इसको हमें बीच में से पतला नहीं करना है। इसी तरह से हमें सारी पूड़ियों को बना के तैयार कर लेना है। अब हम तेल को चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें एक टुकड़ा डाल के चेक कर लिया है मैंने। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। जो टुकड़ा डाला था वो ऊपर उठ के आ गया है। अब इसमें हम पूड़ी डाल के फ्राई कर लेंगे। देखिए, पूड़ियों को हम इस तरह से दबाते हुए उसको फुलाएंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। ये देखिए, हमारी एकदम पूड़ी क्रिस्प होकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी की सारी पूड़ियों को भी तल के तैयार कर लेंगे। बस इसे हमें इस तरह से दबाते रहना और इन्हें फुलाना है, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमें इन्हें तलना है। ये देखिए, हाँ, ये दूसरी पूड़ी भी हमारी एकदम तल के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, बाकी सारी पूड़ियाँ भी मैंने तल के तैयार कर ली है। ये हमारी सारी पूड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पूड़ियों को सर्व करेंगे। पूड़ियों का सर्व आप अचार या दही के साथ में सर्व करें गर्मा गर्म, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही क्रिस्पी पूड़ी बनके तैयार हुई है हमारी। ये देखिए, इस तरह से। अगर आज के दिन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे रेसिपीज़ के सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट्स करके बताएं कि आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं।